हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि यूपी में उन्नाव में बड़े हादसे ने सभी को हिलाकर रख दिया, दहलाकर रख दिया। तेज रफ्तार डबल डेकर बस सामने जा रहे कंटेनर में जा घुसी। इस हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई, जिसके बाद बस कई बार पलट गई। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली आ रही थी, जब बस सुबह करीब 4:30 बजे उन्नाव के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गड़ा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरे टैंकर ने ओवरटेक किया और इस दौरान बस से टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। जहां हादसा हुआ उस जगह अब लाशों का अंबार लगा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वहीं इस हादसे से पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में 2 महिलाएं और 1 बच्चे समेत 18 लोगों की मौत तथा लगभग 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति दुखद। मेरी गहरी संवेदना, ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की मौतों को रोकने के लिए उपाय जरूर किए जाएं। आपको बता दें कि हादसा इतना सुबह हुआ कि बस में सवार ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आंख खुली तो मौत का तांडव आंख के सामने नजर आया। बस इतनी बार पलटी कि बस कई हिस्सों में बट गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं शव को कब्जे में लिया गया। चारों ओर बस चीख पुकार मची हुई है, लोग बिलख रहे हैं, मंजर ऐसा कि दिल दहल जाए। वाकई यह हादसा दिल दहला देने वाला है। अब बस यही कहा जा सकता है कि जो घायल हैं उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिले और जो इस हादसे में मारे गए उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे।